नमस्कार, मैं अर्चना सिंह, अधिवक्ता, समाज सेविका, अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय है गृहस्थ जीवन की दुर्दशा का कारण क्या है। गृहस्थ जीवन जिसके ऊपर व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की स्थिति निर्भर है, उसकी इस दुर्दशा का समाधान किए बिना सुख, शांति और उन्नति की कल्पना करना एक विडंबना होगा। जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन की दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के मलबे में दबा हुआ सिसक रहा है, वेदना से छटपटा रहा है, वह समाज अथवा राष्ट्र के कल्याण के लिए सोच ही क्या सकता है और क्या कर सकता है। गृहस्थ जीवन की इस दुर्दशा के लिए प्रायः परिवार के सभी सदस्य किसी न किसी रूप में जिम्मेदार होते हैं, कोई कम या कोई अधिक। देखा जाए तो बच्चों के बढ़ने के साथ ही माँ बाप के हृदय में उनका विवाह करके घर बसाने की, सुख समृद्ध बनाने की बड़ी कल्पना उठने लगती है। माँ सोचती है, नई बहू का मुंह देखकर कब सौभाग्यवान बनूंगी। उधर पिता भी सोचते हैं, नई बहू आकर घर को स्वर्ग बनाएगी। घर का प्रत्येक सदस्य नई बहू के लिए किसी न किसी सुखद कल्पना में अवश्य खोया रहता है। स्वयं लड़के लड़कियां भी संसार के अनुभवों से शून्य अपनी मधुर कल्पनाओं में कुछ कम खोए नहीं रहते हैं और कई तो इस संबंध में अनजान भी रहते हैं। माँ बाप की लालसा तीव्र हुई कि झट से संबंध तय हो जाते हैं। बाजे बजते हैं, उत्सव मनाया जाता है, सहनाइयां गूंजती है और धूमधाम के साथ विवाह आयोजन संपन्न होता है। नई बहू घर आती है। समय के बीतने के साथ ही नई बहू का आकर्षण भी कम होने लगता है। कुछ ही समय बीतता है कि कई बातें ऐसी पैदा हो जाती है जिनसे सास बहू में खटकने लगती है। परस्पर ताने, फटकारे, दुर्वचनों का व्यवहार होने लगता है। घर की बेटी भी अपनी माँ का पक्ष लेकर भावज पर बरसती है। रात दिन घर में होने वाली चकचक जो पहले नहीं होती थी, उसका कारण बहू को समझकर कुलपति ससुर भी बहू और उसके कुल की बुराइयां बखारने लगते हैं। स्त्री और बेटी द्वारा कान भर देने पर तो उनकी स्थिति और भी असंतुलित हो जाती है। गृह कलह, माँ बाप द्वारा आरोप प्रत्यारोप, उधर बहू द्वारा अपने कष्टों की शिकायत सुनकर युवक भी परेशान हो जाता है। वह दोनों ही पक्षों से कुछ कह नहीं सकता। समय के बीतने के साथ ही रात दिन की अशांति से वह और भी अधिक असंतुलित हो जाता है। माँ बाप अथवा बहू पर अपनी अशांति प्रकट करता है। उधर बहू भी जो अपने माता पिता, भाई बहन, घर वालों से बिछुड़कर पति गृह में सुख के स्वर्णिम स्वप्न लेकर आई थी, वह यह सब देखकर घबरा जाती है। पति गृह में चारों ओर से बरसने वाली गालियां, तिरस्कार, आरोप प्रत्यारोप, आलोचनाएं आदि उनके धैर्य को विचलित कर देते हैं। संसार की कठोरता से अनजान, अनभिज्ञ, कोमल, भावनाशील युवती इन परिस्थितियों में अधिक दिन संतुलित नहीं रह पाती और एक न एक दिन उसका सब्र टूट जाता है। अपने स्वतंत्र मौलिक अधिकार, माँ बाप के गौरव, स्वाभिमान पर चोट पड़ने से उसकी कोमल भावनाएं कठोर और विद्रोही बन जाती है और फिर उसका उद्वेलित मन गृह कलह की आग में घी का काम करता है। कई तेज मिजाज बहुए तो बड़ी लड़ाका और रौद्र रूप बन जाती है, जिससे सारे घर की शांति काफूर हो जाती है। जो बहुएं बहुत ही संकोची और सुशील होती हैं, वे चिंता, क्लेश, अवसाद, मानसिक घुटन से घुट घुट कर अपना जीवन नष्ट कर देती हैं। कई तो विक्षिप्त हो जाती हैं एवं कई अन्य माध्यमों से अपने जीवन की इतिश्री तक कर लेती हैं। इन सभी परिस्थितियों में हमारे गृहस्थ जीवन की दुर्दशा, पतन, विनाश निश्चित है। अनेक गृहस्थियां इसी कारणवश उजड़ती और नष्ट होती देखी जा सकती है। गृहस्थ जीवन की
इस दुर्दशा से अधिकांश परिवार ग्रस्त है। परस्पर कलह, लड़ाई, झगड़े, मनमुटाव, परस्पर आरोप, प्रत्यारोप, दोषारोपण, मतभेद आदि की विश्लेषण ने परिवार के सभी सदस्यों को जकड़ लिया है, जिससे हमारे पारिवारिक जीवन की सुख समृद्धि उन्नति प्रगति का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। गृहस्थ जीवन की इस दुर्दशा ने व्यक्ति की शक्तियों को नष्ट कर उसे पंगु बना दिया है। निराशा, उदासी, मानसिक घुटन में घुल घुल कर उसका जीवन नष्ट होता जा रहा है। व्यक्ति से ही समाज और समाज से ही राष्ट्र बनते हैं। ऐसा व्यक्ति समाज और राष्ट्र के निर्माण में क्या योगदान दे सकता है? कई घरों में तो जहां बहू को बच्चे नहीं होते, उसे तिरस्कार, अपमान का भागी बनना पड़ता है। उसे बांझ कहकर अपमानित किया जाता है, गालियां दी जाती है। इतना ही नहीं, लड़के का दूसरा विवाह करने की तैयारी तक भी की जाती है। ऐसी परिस्थिति में उस बहू का क्या हाल होगा जो बेचारी अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर पति गृह में आई हुई है। ऐसे कुछ मामलों में देखा जाए तो बहुएं भी कोई दूध की धुली नहीं होती। बहुओं में बढ़ता हुआ अनुशासनहीनता, मनमर्जी, बड़ों के प्रति आदर भाव में कमी, लापरवाही, शालीनता और लज्जाशील का त्याग जो भारतीय परिवार के प्रतिकूल है, गृह कलह के लिए बहुत कुछ जिम्मेदार है। आज पारिवारिक जीवन की टूटने का एक कारण यह भी है, जो बहू अपनी सहनशीलता और सेवा भाव से सारे परिवार को स्नेह सूत्र में बांधे रहती थी, आज के दौर में वह परिवार का तनिक भी बोझ उठाने को तैयार नहीं होती। आने के साथ ही पति को बहकाकर अपना अलग घर बसाने की योजना बनाती रहती है। पारिवारिक जीवन की गाड़ी सदस्यों के त्याग, प्रेम, स्नेह, उदारता, सेवा, सहिष्णुता और परस्पर आदर भाव पर चलती है, किंतु जब ये संबंध स्वार्थपूर्ण, आपापूर्ति, संकीर्णता और सहिष्णुता से भर जाते हैं तो परिवार नर्क की साक्षात अभिव्यक्ति के रूप में परिणत हो जाती है। देखा जाता है कि बहू बेटे के योग्य और वयस्क हो जाने पर भी बहुत से घरों में उन्हें परतंत्र की तरह रखा जाता है। अभिभावकगण जिन्हें गृहस्थ की जिम्मेदारियां युवा बच्चों को सौंपकर उच्च आदर्शों के लिए अपने आप को लगाना चाहिए, वे अंत तक भी घर के वातावरण में लिप्त रहते हैं। युवा बहु बेटों को परतंत्रता का जीवन अच्छा नहीं लगता। इससे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी में परस्पर मनोमालिन्य, अनादर के भाव पैदा हो जाते हैं। पारिवारिक जीवन की दुर्दशा का मुख्य कारण है व्यवहारिक जीवन की शिक्षा का अभाव। लड़के और लड़कियों को अनुभवी वृद्ध गुरुजनों के संपर्क में रहकर व्यवहारिक जीवन में जीने की जो शिक्षा मिलनी चाहिए, उसका आजकल सर्वथा अभाव है। विवाह से पहले कन्या को यह शिक्षा नहीं मिलती कि उसे पति गृह में आकर कैसे जीवन यापन करना है, उसका कर्तव्य व उत्तरदायित्व क्या है, उसे किन किन सद्गुणों के द्वारा परिवार की गाड़ी को चलाना है। यही बात लड़कों के संबंध में भी है। पारिवारिक जीवन की शिक्षा का अभाव गृहस्थ जीवन की दुर्दशा का मूल कारण है। इसी के साथ आज के इस कथन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पे चर्चा करते हुए। अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।